हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस ही जंप्स टू फोर स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक टू स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल हैव रीच्ड बैक टू द टॉप स्टेप्स। अभी क्या वो मंकी है, वो नीचे तक तो हमने उसे पहुंचा दिया है, अभी वो मंकी पानी पीने के बाद फिर से ऊपर जाना चाहता है, तो वो अभी क्या करता है, उस पिछली बार वो 3 स्टेप नीचे आता था फिर 2 स्टेप ऊपर जाता था, इस बार क्या करता है 4 स्टेप है वो अप आता है और 2 स्टेप है वो बैक आता है। अभी हमें अप जाना पड़ेगा ना, हम डाउन आते थे पिछले वाले जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हम अप जाएंगे। सो कितने मूव के अंदर वो फिर से कितने स्टेप्स में जंप लगाकर स्टेप पर जंप लगाकर वो कितने जंप में वो वहां पर पहुंचेगा टॉप पे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट जंप नीचे से। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 9 स्टेप्स है हमारे पास, वो पहले का था फर्स्ट स्टेप पे, फिर से वो 9 स्टेप पे आ गया, लेकिन वो यहां खड़ा है तो उसका वो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ही हुआ, इसलिए उसे ऊपर 9 स्टेप जो ऊपर अभी वो अप वाला है वो 9 स्टेप हो गया और नीचे वाला है वो फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट जंप उसमें हम लिखेंगे 1 + 4 = 5, पहले जंप का 5 स्टेप। सेकंड जंप इज इक्वल टू 5 - 2 = 3, क्योंकि वो बैक आ रहा है फिर से 2 स्टेप्स। थर्ड जंप 3 + 4 = 7। फोर्थ जंप इज इक्वल टू 7 - 2 = 5। फिफ्थ जंप इज इक्वल टू 5 + 4 = 9। हमारा आंसर आ गया 9। 9 स्टेप ओके, इसलिए 9 स्टेप में हम पहुंच गए और 5 जंप लगाएगा, उसके बाद मंकी है वो फिर से अप हो जाएगा।